घर घर की कहानी और पाप और पुण्य जैसी फिल्मों में नजर आई बेबी गुड्डू 80 और 90 के दशक की वो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी मासूमियत और शरारतीपन से पारिवारिक फिल्मों की आन बन शान बढ़ाते हुए खूब लोकप्रियता पाई थी। लेकिन दोस्तों 80 और 90 का दौर गुजरे तो सालों साल हो चुके हैं, पर क्या आपको मालूम है कि आप सबकी हंसती खेलती बेबी गुड्डू आज कहाँ है, क्या कर रही है और कैसी दिखती हैं? शायद नहीं। तो चलिए आपको इनके बदले हुए रंग रूप के साथ साथ इनकी आज की स्थिति भी दिखाते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। बॉलीवुड की मशहूर बाल अदाकारा बेबी गुड्डू का असली नाम शाहिदा बेग है, जिनका जन्म मुंबई में हुआ और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई भी शुरू हुई थी। पर बचपन में पढ़ाई के साथ साथ ये काफी नौटंकी भी रही थी, इसलिए इनके पेरेंट्स ने इनकी प्रतिभा को समझते हुए इन्हें आगे बढ़ने में सपोर्ट किया और माता पिता के सपोर्ट के साथ इन्होंने एक्टिंग करियर में अपनी शुरुआत की। जी हाँ, स्कूल जाने की उम्र में ही इन्होंने एक्टिंग इंडस्ट्री में कदम रख दिया था और टूथपेस्ट और सॉफ्ट ड्रिंक के ऐड किए थे। उसके बाद इन्हें अपनी पहली फिल्म पाप और पुण्य मिली, जिसमें ये अपनी मासूमियत से ही सब जगह छा गई थी। देखते ही बड़े बड़े प्रोड्यूसर की नजरों में आ गई, जिन्होंने इन्हें औलाद, घर घर की कहानी, नगीना और गुरु जैसी फिल्में ऑफर की थी। लेकिन अगर बात करें इनके बदले हुए हालात की, तो जहाँ फिल्मों में फ्रॉक पहने, सुनहरे लंबे बालों की चोटी बनाए, बहुत क्यूट और गोल मटोल सी गोरी चिट्टी नजर आई थी, वहीं अभी 43 साल की उम्र में स्टाइलिश पर कुछ खास नजर नहीं लगती है, क्योंकि उम्र के साथ ढलने के चलते इनके फेस पर झुर्रियां हो गई हैं। वही आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेबी गुड्डू आखिरी बार साल 1991 में आई फिल्म घर परिवार में नजर आई थी और 11 साल की उम्र के बाद इन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी और पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाने लगी थी। लेकिन अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो खबरों की माने तो आज ये शादीशुदा है और दुबई में रहकर वहाँ की अमीरात एयरलाइन में बतौर एयर होस्टेस काम कर रही है। वेल दोस्तों, क्या आपको बेबी गुड्डू आज भी पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।